व्लॉग। आज का दिन बड़ा अच्छा होने वाला है मेरा, क्योंकि वैसे उससे पहले सबसे पहले तो नववर्ष शुरू हो चुका है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग नया साल नवरात्रि के पहले दिन जो होता है, ये वाला जो अप्रैल वाले जो नवरात्रि होते हैं, इसका जो फर्स्ट डे होता है वो हमारा न्यू ईयर होता है। जैसे कि गुड़ी पड़वा होता है महाराष्ट्र में, साउथ में कुछ और होता है। तो आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और ये साल बहुत अच्छा जाए आपका। अब कल है गणगौर पूजा, यहाँ पे भी काफी सारे लोग करते हैं सेलिब्रेट। लास्ट ईयर मैंने अकेले की थी वो, उससे पहले मैंने मेरी फ्रेंड के साथ की थी। तो राखी, अगर तुम ये व्लॉग देख रही हो, हाँ मुझे पता है तुम ये व्लॉग जरूर देखोगी, सो आई मिस यू सो मच यार, क्यों गई जयपुर वापस। बट ठीक है, सबके अपने अपनी चॉइसेस होती हैं। आई होप कि वो वहां पे भी बहुत प्रोग्रेस करे। और सो बेसिकली मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कल है गणगौर पूजा, और उसके लिए इस बार मैंने बात की है कि हमारी शायद सोसाइटी के क्लब हाउस में पूजा होने वाली है, या शायद किसी के घर पे हो जाएगी, लेट्स सी। तो देखते हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। सो बेसिकली आज मेरे हाथों में लगवाने वाली हूं मैं मेहंदी, तो वो आज मेहंदी आर्टिस्ट आज आ जाएगा लगाने के लिए। और इवनिंग में मैंने बुलाया है कि दिन में थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं पॉसिबल हो पाता, सो वो इवनिंग टाइम में आएगा। सो जब मेहंदी लगेगी तो मैं दिखाती हूँ कि कैसी मेहंदी लगाई है उसने, तो मिलते हैं फिर तभी इवनिंग में मेहंदी के साथ। ये मैं रात को करूंगी, क्योंकि फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो देखो, इसमें ये है सुनील, ये है मेरी प्रतीक्षा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये मेहंदी का कलर आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 5:40 के आसपास टाइम हो रहा है और थोड़ी जल्दी सुबह हुई है मेरी, क्योंकि पूजा जो होने वाली थी, जो मैंने बोला था कि क्लब हाउस में होगी या किसी के घर पे होगी, तो वो मेरे घर पे होने वाली है। और आज मेरी हाउस हेल्प भी नहीं है, तो काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। और मैं ये भी दिखाती हूँ कि बाहर अभी एकदम अंधेरा हो रहा है, कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर का। अरे बादल हो रहे हैं, मुझे ये मॉर्निंग वाली जो वो रहती है खुशबू, वो बहुत पसंद है। और लिटरली इस टाइम पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फटाफट से काम पहले ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। हो गई हूँ मैं तैयार, और कुछ इस तरह से मैंने एक बन बनाया है टीका लगा के, और ये इस तरह से ये मेरा लुक है। और मेरी पूजा की भी सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं, मैंने जो कुछ मेरे एंड से हो सकता था वो मैंने सारा कर लिया, और कलर भी बड़ा अच्छा मेहंदी का आ गया है, ठीक है। और प्रिपरेशंस में मैंने क्या किया है, थोड़ी सी एक चीज़ पेंडिंग है, बस वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, बाकी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। ये तैयारी कर ली है मैंने सारी पूजा का पूरा, और अभी मुझे दो पेपर्स रखने हैं जिसपे बिंदी लगेंगी, और कुछ यहाँ पे इस तरह से मैंने ये कर दिया अरेंजमेंट, और ये अभी रखना बाकी है वहाँ पे चौक बना के उधर की साइड में रखेंगे। और डायरेक्शन मैंने अभी उसके जो पट्टा रखा है ना, उसकी स्थापना नहीं की है अभी, क्योंकि वहाँ पे हल्दी से वो करके थोड़ा सा चौक बना के फिर रखेंगे। पर मैं सोच रही हूँ सारे लोग आ जाएँ तो फिर डायरेक्शन के हिसाब से जैसे वो लोग को लगेगा कि किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। वैसे आई थिंक मैंने जो रखा है वो ठीक ही है, बाकी जैसे भी उस टाइम पर लोग कहेंगे वैसे कर लेंगे, तो सबके मन का हो जाएगा। और हो सकता है मुझे मुझसे ज़्यादा कोई अच्छे से जानता हो तो अच्छा रहेगा, पूजा अच्छे से हो जाएगी। तो चलो मैं जल्दी से पेपर्स वगैरह रख लेती हूँ जो याद रहेगा, और फिर मिलते हैं।
हमारी पूजा और बहुत अच्छे से हो गई है, बहुत मज़ा आया। तो जो भी क्लिपिंग्स हैं वो मैं लगा दूंगी, क्योंकि पूरा तो नहीं कैप्चर कर पाए थे क्योंकि हम सारे लोग पूजा करने में इतने बिजी हो गए, बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहा। बट जो भी क्लिपिंग्स हैं वो मैं लगा दूंगी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड माई चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में।